श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, आने वाले वक्त में ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी संभावित है। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब अमीन पूनावाला क्या कर रहा है जानना चाहते हैं ना। नमस्ते, मैं राशिद, इंडिया न्यूज डिजिटल देख रहे हैं आप। और इंडिया न्यूज डिजिटल पर दो दिन पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आफ्ताब तिहाड़ जेल के अंदर शतरंज की बिसात बिछा करके शतरंज खेल रहा है। उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसे शतरंज खेलने की इजाजत दी जाए और ये इजाजत मंजूर की गई। लेकिन इसके अलावा अब आफ्ताब ने इजाजत मांगी है कि उसे इंग्लिश नॉवेल पढ़ने दिया जाए और इंग्लिश नॉवेल पढ़ने की इजाजत भी हो गई है मंजूर। और आफ्ताब को अंदर इंग्लिश नॉवेल दिया गया है, कौन सा नॉवेल है ये भी आप जानना चाहेंगे। नॉवेल का नाम है द ग्रेट रेलवे बाजार। ये एक यात्रा वृतांत है, ट्रेवलॉग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, यानी एक अमेरिकन ने लिखा हुआ है अपनी यात्रा वृतांत। और जेल प्रशासन का ये मानना है क्योंकि ये कहीं से भी नॉवेल मर्डर मिस्ट्री है, नॉवेल में किसी तरह की इंसान नहीं है, दिमाग पर कोई जोर पड़ेगा नहीं। और यही एक वजह है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला को ये नॉवेल दे दिया गया है पढ़ने के लिए। हालांकि आफ्ताब ने अखबार भी मांगा है, आफ्ताब ने इजाजत मांगी है कि उसे टीवी देखने दिया जाए, लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन न तो अखबार दे रहा है न ही टेलीविजन दे रहा है, क्योंकि आफ्ताब जो है अपने दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है, शातिर है, चालाक है और लोमड़ी जैसा उसका दिमाग चल रहा होता है। यही एक वजह है कि आफ्ताब को किसी भी तरह से कोई अखबार या टीवी देखने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन आफ्ताब जो है इंग्लिश नॉवेल और शतरंज के अलावा अंदर और क्या क्या कर रहा है। आफ्ताब आराम से बैठा होता है, बीच में कई बार कसरत करने की भी कोशिश करता है। और हालांकि एक सेल में कैदी के उस कैदी के तौर पर रखा गया है जहां चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आती। बहुत बार आफ्ताब ये भी कहने की कोशिश करता है कि उसका दम घुट रहा है, बाहर निकाला जाए, उसे बात किसी के साथ नहीं कराई जाए, लेकिन फिर जाकर के शांत बैठ जाता है। यानी आफ्ताब तिहाड़ जेल के अंदर भी ये कोशिश कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त में उसे मेंटली रिटार्डेड या मेंटली इम्बैलेंस जैसे साबित कर दिया जाए ताकि कानून को दे दे चकमा। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन सीसीटीवी कैमरे की नजर से आफ्ताब को देख रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एक एक फ्रेम हर रोज देखा जाता है। एक एक फ्रेम में जो भी हलचल होती है, जो भी शरीर का जो भी रिस्पॉन्स होता है आफ्ताब को ये देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, आफ्ताब इतना जरूर है अंग्रेजी नॉवेल और शतरंज के साथ में जेल के अंदर अपना वक्त बिता रहा है। नमस्ते।